हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप फार्मेसी में एडमिशन लेने को सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप MET यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश ग्वालियर में जो है कॉलेज, उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसमें क्या क्या चीजें, क्राइटेरिया है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन वहाँ का, वो चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो मोस्टली फार्मेसी जो बच्चे होते हैं एडमिशन लेने के बाद से वो विड्रॉल ले लेते हैं, उसकी वजह क्या होती है वो भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर रहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मोस्टली स्टूडेंट का जो डाउट्स होता है वो चीजें में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट, फीस, स्टडी, स्टूडेंट का बिहेवियर, टीचर का इंटरेक्शन, अटेंडेंस, इन सब चीजों पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। प्लेसमेंट नो डाउट प्लेसमेंट यहाँ पर होती है, बात तो सही है। आपको अगर मार्केटिंग लाइन में जाना है तो मार्केटिंग लाइन में आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। अगर आपको प्रोडक्शन लाइन में जाना है तो थोड़ा लो मिलता है, 4 लाख से 4 लाख एवरेज मिल जाता है आपको प्लेसमेंट में। अगर आप यही MR के जॉब करते हैं यानी मार्केटिंग लाइन में जाते हैं तो आपको 6 से 7-8 तक पहुंच जाता है, 6 से 8 तक उसका प्लेसमेंट हो जाता है। बात टीचर इंटरेक्शन की, तो टीचर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। टीचर हर एक बच्चे के साथ एकदम फ्रेंडली रहते हैं, फ्रेंडली बात करते हैं, फ्रेंडली आपको पूरे हर एक चीज में गाइड करते हैं, तो वो भी चीज बहुत अच्छा है। सेकंड की यहाँ पे स्टडी कैसा होता है बी फार्मा में, तो बी फार्मा में स्टडी यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। स्टडी में नो डाउट स्टडी बहुत ही अच्छा होता है, बट यहाँ पे एक चीज है जो आपको सुनना चाहिए, जो रियलिटी है वो चीज है अटेंडेंस। बात तो सही है। अटेंडेंस को लेकर के यहाँ से बच्चे बहुत विड्रॉल लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे यहाँ से विड्रॉल ले रहे हैं। उसके कारण अटेंडेंस है, क्योंकि अटेंडेंस 80% होना चाहिए। 80% अटेंडेंस होगा तो ही बच्चा एलिजिबल होता है एग्जाम के लिए। अगर 80% अटेंडेंस नहीं होता है तो बच्चे को डिबार कर दिया जाता है, जिसके चलते वो एग्जाम नहीं देता है और उसके ऊपर प्रेशर होने लगता है बैक का। जो बैक होता है वो अटेंडेंस की वजह से बैक हो जाता है तो डिबार हो जाता है। उसको 3 चांस दी जाती है, 3 चांस में अगर नहीं निकलता है पेपर, उसका सिलेबस नहीं निकलता है तो उसको ईयर बैक लगता है। तो ये बात अपना ध्यान जरूर रखना। बी फार्मा का फीस है आपका मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर का आपका 52,000 रुपीज है और उसमें आपका 15,000 आपका सिक्योरिटी मनी 50,000 लेकर के आपका हो जाता है 67,000 रुपीज होता है, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लिए जाते हैं। आपके एडमिशन के टाइम पे ये सारे पैसे ली जाती है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।